लिसनर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी क्वालिटी है इनकी बहुत ही बढ़िया है, चाहे बटुआ चाहे बेल्ट है कुछ भी लो। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज आपका स्पेशल दौरा है? आज ये चमड़ा वाला कंपनी में आप सभी को जितने मेहमान आए उनके चमड़ा वाले कंपनी और पूरी टीम के साथ तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज विश्व प्रयाण दिवस है, इस मौके पर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन की छोटी छोटी भागीदारी वो प्रयाण के प्रति निभाए। जैसे आज हम पूरी टीम बादरा से चलकर मूर्त के लिए ट्रेन से सफ़र किया है हमने, तो पेट्रोल डीजल का जो भी प्रदूषित होता है हमने सोचा कुछ आपके द्वारा भी कुछ बताया जा सकता है। और कंपनी का मेन उद्देश्य यही है कि कंपनी समाज के प्रति भी कुछ ये दृढ़ निश्चय ले कि समाज के प्रति जो काम हो रहे हैं उनको अच्छे ढंग से उसकी मदद की जाए। तो शीतला बाजार के अंदर जो राजगढ़ साधुपुर है वहाँ पर पहुँचे कॉमेडियन जो देश जगत को हंसाने वाले हैं, तो हमारी फैमिली के पास पहुँच चुके हैं, हम देखिए उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार सर, आज आप पहुँचे सर इधर राजगढ़ साधुपुर के अंदर, तो ये क्षेत्र कैसा लगा आपको? क्षेत्र वास्तव में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा यहाँ पहुँच करके करने वाला दूसरा बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम हमारी तो आज सर एक खास एक दिवस है सर पर्यावरण दिवस, तो देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे जगत को हंसाते हो तो इसी प्रकार देश जगत हंसता रहे, तो क्या कहेंगे सर पर्यावरण दिवस पे आप? सबसे पहले तो सभी देश के नागरिकों को और विशेष तौर से राजगढ़ के निवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धौला राजा, हम सबको एक मुहिम चलानी चाहिए कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार जो है वो हमेशा पेड़ लगाओ वृक्ष लगाओ पे जोर दे रही है। तो मेरा पर्सनली मकसद ये है, मानना ये है कि एक इंसान को कम से कम दो पेड़ अवश्य लगाने चाहिए जीवन काल में, क्योंकि एक पेड़ तो हमें खुद के लिए भी ज़रूरत पड़ती है अंतिम संस्कार के लिए। तो एक पेड़ जो है वो दो पेड़ लगाने चाहिए, तो कम से कम पर्यावरण को हम बचा सकें और वातावरण को शुद्ध कर सकें। पेड़ों से हमें, आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का एक साधन है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए जो ओनर हैं संजय सर, संजय गोस्वामी जी, चमड़े वाला जो शॉप यहाँ पर राजगढ़ साधुपुर में जो खुला है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज आपने यहाँ पर आपका जो शॉप का उद्घाटन हुआ और एक कॉमेडियन लोग भी यहाँ पर पहुँचे, बहुत ही खास एक अच्छी बात रही, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आप अपने शॉप? सबसे पहले तो मेरी दुकान जैसे शीतला बाज़ार राजगढ़ टिकमाणी मंदिर के सामने, आप लोगों का स्वागत करती है, आप आइए, अपने आपका स्वागत होगा। हमारे नौर से ब्रांच मैनेजर, इनसे बात कीजिए। सर बताइएगा दुकान शॉप के बारे में। मेरा नाम कश्मीर लाल है और मैं चमड़ा वाला कंपनी नोहर ब्रांच से मैनेजर हूं, और मैं चमड़ा वाला कंपनी से पिछले तकरीबन 4-5 महीनों से जुड़ा हूं, और मैंने वहां पे फ्रेंचाइजी लेके मैं इसके बाद जो राजगढ़ की जो ब्रांच आज जो ओपन हुई है, उसके बाद नोहर की ब्रांच अभी ओपन होने वाली, उसी प्रोसेसिंग में हम चल रहे हैं। इस कंपनी का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आइटम यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जैसे लेडीज़ बैग हैं, पर्स हैं, बेल्ट हैं या चमड़े के जूते हैं, वो विद गारंटी मिलेगा, ना कि वारंटी। और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। एक बार मैं जितने भी राजगढ़ में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमें या हमारी कंपनी को आज इसमें जो जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार सेवा का मौका दीजिएगा। हमारे स्टाफ के द्वारा आपको बेहतरीन सर्विस और बेहतरीन व्यवहार मिलेगा, यही चमड़ा वाला का
वादा है। तो सर ये कौन से क्षेत्र में है सर? ये राजगढ़ तहसील है और डिस्ट्रिक्ट चूरू है, और हमारी जो शॉप का एड्रेस है वो शीतला बाजार राजगढ़ के अंदर है। टिकमानी मंदिर के सामने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि चमड़ा वाला कंपनी के ऑनर मिस्टर कुलदीप जी, जो एक बहुत बड़ा अपना कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, ये ऑल ओवर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी हर तहसील में हर शहर के अंदर अपने आउटलेट्स खोलेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इनके साथ साथ हम सब कामयाब हों और हर कस्टमर को हम दिल से अपनी सेवा देंगे। सर थैंक यू। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है नंदकिशोर स्वामी जी। मैं राजगढ़ तहसील से मुख्य निवासी हूँ और यहाँ पे मैं चमड़े वाला की आउटलेट शोरूम पर अभी पहुँचा हूँ। इनकी जो वैरायटी देखी है वो काफ़ी अच्छी है और मान्य है, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी वैरायटी बहुत करीब करीब मार्केट में कम पाई जाती है। तो मैं आप लोगों और आप जो भाई बंधु है या बहन है उनसे अनुरोध करूँगा कि एक बार इस आउटलेट शोरूम पर आकर के जो भी इनका प्रोडक्ट है आप खरीदें और खुद वो मैनेज करने की कोशिश करें कि आपको खुद पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है और कितना रहेगा। इसके लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है और मैंने ये प्रोडक्ट भी लिया और काफ़ी जगह पे मैंने परचेजिंग भी किए। चमड़े वाला का जो ये प्रोडक्ट देखा वो काफ़ी सुपर और बेस्ट है। धन्यवाद। राजस्थान के मशहूर कॉमेडियन जो जगत को हंसाते हैं पूरे देशवासियों को, सर आपको यहाँ आकर के कैसा लगा सर राजगढ़ साधुपुर? सर यहाँ का बहुत बढ़िया लगा, और कुलदीप चमड़े वाले ने मुझे बुलाया है इस मूर्त पर। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी क्वालिटी है इनकी बहुत ही बढ़िया है, चाहे बटुआ चाहे बेल्ट कुछ भी लो ज़बरदस्त है। तो सर कोई एक आपका डायलॉग सुना दीजिए दर्शकों को। डायलॉग तो कहाँ, हाँ मेरा डायलॉग मशहूर है, तेरी गाल के दूँ तेरी पीछे रहेगी डट जा मैं राजगढ़ आना आ गया। वही बात है, पूरी पब्लिक राजगढ़ की है, वो भी मेरी फैन है, बहुत ही बढ़िया है। तो राजगढ़ में आके भी याद आया हूँ यहाँ पर, बहुत बढ़िया लगा मुझे राजगढ़। दोबारा राजगढ़ को बोलते सर चमड़े वाले की दुकान के शॉप के ऊपर डायलॉग हो जाए कोई? हाँ हाँ जरूर, घी में खांड और चमड़े वाला की दाम ब्रांड ब्रांड दोबारा घी में खांड और चमड़े वाले ये ब्रांड बराबर होता है सर, एक बार खरीद के देखो आप। ये मेरा बोले सर रक्तदान की शिविर लगाने की हमें सूचना मिली थी, क्या आप कब लगा रहे हो, कितनी तारीख को लगा? हाँ जी वो सही है, गांधी बड़ी के अंदर लगा रहा हूँ मैं 10 तारीख को, 10 जून को, और बाकी प्रदीप बताएगा आप। जी प्रदीप सर बताइए। हाँ जी दोलर राजस्थानी यूट्यूब चैनल और श्री सालासर चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों के संयोजन से हम लोग एक रक्तदान शिविर दोलर राजस्थानी के गाँव गांधी बड़ी में लगा रहे हैं, और इस शिविर के अंदर कुलदीप जी चमड़ा वाला भी इनवाइट हैं, ये भी वहाँ पहुँच रहे हैं हमारे पास, पूरी टीम इनकी। तो इस शिविर की खास बात श्रीमान जी ये रहेगी कि इसमें पूरे राजस्थान के और हरियाणा के यूट्यूबर्स और टीवी कलाकार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से राजगढ़ की जनता से अनुरोध है कि वो भी अगर वहाँ पर पहुँचते हैं उस रक्तदान शिविर में तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज हम यहाँ राजगढ़ आए हैं चमड़े वाला शोरूम पर, तो इस माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि राजगढ़ के लोग जो हैं वो गांधी बड़ी 10 जून 2022 को जरूर पहुँचे।